छात्र भविष्य होते हैं देश का और भविष्य को रौंदा नहीं जाता, उसे संवारा जाता है। लेकिन भाजपा के लिए इसका कहां औचित्य है? अपने अधिकार मांगने पर छात्र भाजपा के लिए देशद्रोह से लेकर नक्सलवादी तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है, जबकि हमारे देश में छात्र आंदोलनों का एक समृद्ध इतिहास रहा है, उनकी आवाजें सुनी गई हैं। 2014 में भाजपा के आते ही शिक्षा और रोजगार पर कहर टूट गया और इसका सीधा असर छात्रों पर हुआ। इसी साल में भाजपा के फैसलों ने देश की शिक्षा व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। एक तरफ फीस वृद्धि के जरिए शिक्षा को मुश्किल बना दिया गया, वहीं लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखने की कोई योजना बनाए बगैर अचानक शिक्षण संस्थानों को बंद करके एक पूरे सत्र को तहस नहस कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस लॉकडाउन के दौरान भारत भर में छात्रों को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया। भाजपाई संवेदनहीनता ने तब अपनी सीमा पार कर ली जब कोरोना संकट के बीच जेईई नीट परीक्षा के जरिए लाखों विद्यार्थियों का जीवन संकट में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, इस निष्ठुर भाजपाई सल्तनत ने अनुसूचित जाति जनजाति के लाखों विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप तक पर बंदिशें लगा दी। इन सब के साथ जब देश के किसी भी कोने में विद्यार्थियों ने बेहतर शिक्षा या रोजगार के लिए आवाज उठाई तो भाजपाई सत्ता ने लाठियों की बारिश की। दरअसल शिक्षा और युवाओं को निशाना बनाकर भाजपा इस देश की वैचारिकी को खत्म करना चाहती है, जिसमें वो सफल नहीं होगी। जय हिंद।